हेलो प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 अध्याय 10 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। तो आइए जानते हैं वृत्त होता क्या है। ये हमारे पास कोई भी तल है। इस तल में हमने कोई भी एक बिंदु लिया। ये हमने एक बिंदु ले लिया यहाँ तल में। ये कोई भी एक बिंदु है। इस बिंदु को हमने नाम दे दिया ओ। अब इस बिंदु को केंद्र मानकर यहाँ पर अगर मैं प्रकार की नोक रख करके और इस बिंदु के चारों ओर इस तरह से प्रकार को घुमा देता हूँ 360 डिग्री पर चारों तरफ, तो इस तरह से हमारे पास जो आकृति बनेगी वो कहलाएगी वृत्त। तो ये हमारे सामने एक वृत्त की आकृति बन गई है। ये इसका केंद्र है जिसको हम बोलते हैं सेंटर या केंद्र। इसको हमने ओ मान लिया। अब हम बात करते हैं इस वृत्त की परिधि के बारे में। इसके जो बाहर बाहर आपको जो पेंसिल से जो इसकी सीमा बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये इसकी परिधि है। इसे बोलते हैं वृत्त की परिधि। मैं एक परिधि पर बिंदु लेता हूँ। कोई भी बिंदु मैंने लिया P। मैं इस केंद्र को परिधि पर स्थित बिंदु P से मिलाता हूँ। मैंने बिंदु P को O से मिला दिया, तो जो OP है वो हमारी त्रिज्या हो जाएगी। O है, O क्या है? हमारा केंद्र, सेंटर या केंद्र। OP है त्रिज्या, ये कहलाएगी त्रिज्या या रेडियस, जिसको हम R से दर्शाते हैं। P इसकी परिधि पर कोई भी एक बिंदु है, और ये जो इसकी लाइन है, बाउंड्री है, जो पेंसिल से दिखा रखी है मैंने, इसको बोलते हैं परिधि। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ये है वृत्त की परिधि। परिधि के ऊपर स्थित किसी बिंदु को जब हम केंद्र से मिलाएंगे तो वो त्रिज्या कहलाएगी। मैंने एक बिंदु कोई और लिया, मान लिया ये बिंदु यहाँ पर इसकी परिधि के ऊपर क्यू। तो मैं इस परिधि पर स्थित बिंदु क्यू को केंद्र ओ से मिलाऊंगा, तो ये भी एक त्रिज्या कहलाएगी। ये सब त्रिज्याएं हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र को वृत्त की परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? त्रिज्या। तो ये सब OP, OQ, ये सब क्या हैं? त्रिज्याएं हैं। और सारी की सारी त्रिज्याएं क्या होती हैं? एक वृत्त की बराबर। तो OP बराबर OQ, ये है त्रिज्या। ये सब त्रिज्याएं हैं। हम बात करते हैं अब व्यास के बारे में। वृत्त की परिधि के ऊपर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर के गुजरे वो कहलाएगी व्यास। तो मैंने एक बिंदु लिया है यहाँ पर R, और एक बिंदु मैंने यहाँ पर लिया है S। ये दोनों बिंदु वृत्त की परिधि के ऊपर हैं। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो केंद्र से होके गुजरे, तो मैं इनको मिला रहा हूँ, और ये जो लाइन है ये केंद्र से होके गुजर रही है। ये बिंदु हमारा यहाँ पर S है। तो R और S को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा? व्यास। तो R S है वो हमारा व्यास है, जिसको हमें डी से दर्शाते हैं। त्रिज्या में और व्यास में क्या संबंध है? यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें OS की, OS एक त्रिज्या है, OR भी एक त्रिज्या है। इस आकृति में OS त्रिज्या है, OR भी त्रिज्या है, और जो हमारे पास
आर एस है, आर एस, वो ओ एस और ओ आर का जोड़ है, और ओ एस और ओ आर दोनों त्रिज्याएं हैं। मैंने बताया था कि वृत्त की, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो ओ एस बराबर होगा ओ आर। तो यहाँ से हम ले सकते हैं कि ओ एस जमा ओ आर को मैं लिख देता हूँ ओ एस, 2 गुणा ओ एस। तो आर एस हमारा क्या है, आर एस है हमारा व्यास, और ओ एस क्या है, ओ एस है हमारी त्रिज्या। तो यहाँ से हमारे पास व्यास और त्रिज्या में एक संबंध आ गया, क्या कि व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, यानी जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो त्रिज्या का दुगुना होता है, या ये कह सकते हैं कि त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है। इसके बाद हम चलो साथ साथ ये भी कर लेते हैं कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है। वृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं, तो इसका सूत्र है 2 पाई आर, आर है यहाँ पर त्रिज्या। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वेयर, जहाँ पर आर है हमारी त्रिज्या। अब हम पढ़ेंगे स्पर्श रेखा के बारे में, तो आइए जानते हैं स्पर्श रेखा क्या होती है। ये हमारे पास एक वृत्त है, स्पर्श रेखा, जैसा कि नाम से ही जान पड़ता है, स्पर्श, जो वृत्त को स्पर्श करे वो कहलाएगी स्पर्श रेखा, या सही अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या एक बिंदु पर स्पर्श करे। जैसे ये हमारे पास वृत्त है, यहाँ पर मैंने एक बिंदु लिया P, अब मैं एक रेखा खींचता हूँ जो इस वृत्त को बिंदु P से प्रतिच्छेद करती है। ये मैंने एक रेखा खींची है, इसको मैंने नाम दे दिया AB, AB। तो जो AB है वो एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो AB हो जाएगी हमारी स्पर्श रेखा, और जो बिंदु P है, जो बिंदु P है वो हो जाएगा स्पर्श बिंदु, जहां पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करेगी वो बिंदु कहलाएगा स्पर्श बिंदु। अब हम बात करते हैं छेदक रेखा की। छेदक रेखा, जैसा नाम से ही मालूम पड़ता है, छेदक, जो वृत्त के अंदर से छेद करती हुई निकल जाए, यानी स्पर्श रेखा वो होती है जो एक बिंदु पर स्पर्श करे। छेदक रेखा वो होती है जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। जैसे इस वृत्त के अंदर मैं एक रेखा और खींचता हूँ, इसका नाम है CD, जो इस वृत्त को बिंदु R और S पर प्रतिच्छेद करती है। तो जो हमारी CD है वो एक छेदक रेखा हो जाएगी। तो AB हमारी स्पर्श रेखा है, और जो CD है वो है हमारी छेदक रेखा, क्योंकि ये वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, R बिंदु पर और S बिंदु पर। तो ये हमारी हो जाएगी छेदक रेखा। प्रश्नावली शुरू करने से पहले एक प्रमेय है, आइए उसको देखते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये हमें एक वृत्त ले रखा है, इस वृत्त का ये केंद्र है O। अब इसने कहा कि वृत्त के किसी बिंदु पर, हमने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया P,
इस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। इस बिंदु के ऊपर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये हमारी एक स्पर्श रेखा है जिसका नाम दे दिया हमने ए बी। अब इसके बाद इसने कहा है किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली, इस स्पर्श बिंदु पी से जाने वाली त्रिज्या, बिंदु पी है वो वृत्त की परिधि के ऊपर है, तो इस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या हमारी हो जाएगी ये, इसका नाम है ओपी। तो त्रिज्या पर लंब होती है। तो कहने का मतलब ये है कि वृत्त के किसी बिंदु, वृत्त का एक बिंदु पी है हमारे पास, इस बिंदु पी पर जो स्पर्श रेखा है वो स्पर्श रेखा इस त्रिज्या के ऊपर लंब है, यानी ये जो कोण है ये कोण 90 डिग्री का होगा। तो हमें इस प्रमेय को याद रखना है, इसका यूज हम आगे प्रश्नावली में करेंगे। तो आइए अब चलते हैं प्रश्नावली 10.1 पर। प्रश्न संख्या एक है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। हम एक वृत्त खींचते हैं और देखेंगे कि उसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये हमने एक वृत्त लिया, इसके ऊपर हम एक बिंदु लेते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु ए है, उसकी एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये हो जाएगी एक स्पर्श रेखा। एक बिंदु यहाँ पर लेते हैं, एक स्पर्श रेखा हमारी ये हो जाएगी। इसी प्रकार एक बिंदु यहाँ पर लेते हैं, एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी। एक बिंदु लिया हमने यहाँ पर, एक स्पर्श रेखा इस पे खींचेंगे, तो इस प्रकार हम अनेक बिंदुओं पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक वृत्त की अनंत या अनगिनत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनगिनत स्पर्श रेखाएं। प्रश्न नंबर दो है, रिक्त स्थान भरो। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमारे पास एक वृत्त है, इसकी स्पर्श रेखा है ये, कोई भी एक ले लेते हैं हम ये स्पर्श रेखा ले लेते हैं, इसको नाम दे दिया हमने पी क्यू। पी क्यू ये इस बिंदु ए पर स्पर्श कर रही है, तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगी, केवल एक बिंदु पर। अगर वो दो पे प्रतिच्छेद करेगी तो फिर वो स्पर्श रेखा न होकर छेदक रेखा हो जाएगी, जिसका आंसर आएगा एक। अगला है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्तान कहते हैं। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा। अभी हमने पढ़ा था पीछे आकृति में, देखिए ये एक रेखा है जो इसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसको हम कहेंगे छेदक रेखा। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा छेदक रेखा। थर्ड पार्ट है, एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त के अंदर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होंगी। तो एक वृत्त के अंदर दो समानांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। प्रश्न नंबर चार है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम कहेंगे स्पर्श बिंदु। ये मान लिया हमारे पास एक वृत्त है, ये इसकी स्पर्श रेखा है,
इन दोनों में उपेनिष्ठ बिंदु हो जाएगा ये, जिसको मैं नाम दे दिया पी। तो ये पी कहलाएगा हमारा स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, इसे हम कहेंगे स्पर्श बिंदु। प्रश्न संख्या 3 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की लंबाई बताइए कितनी होगी। तो हम यहाँ पर एक वृत्त लेते हैं जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ये हमने ले ली त्रिज्या 5 सेंटीमीटर के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ये बिंदु P ले लिया हमने, इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं हम। ये बिंदु P है और ये हमारी AB एक स्पर्श रेखा है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू, हाँ ये बिंदु क्यू है, यहाँ पर बिंदु पी क्यू, केंद्र O से जाने वाली, ये केंद्र हमारा है O, एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर है 12। ये हमें ओ क्यू दे रखे है 12 सेंटीमीटर। ये ओ क्यू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। हमें पी क्यू की लंबाई बतानी कितनी होगी। पी क्यू अभी हमने प्रमेय की थी पीछे कि वृत्त के केंद्र और स्पर्श बिंदु को अगर हम मिलाएंगे तो जो त्रिज्या होगी वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, या जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या के ऊपर लंब होती है। तो ये हमारा जो कोण है ये हो जाएगा 90 डिग्री का, परमी 10.1 के अनुसार। तो हमारे पास त्रिभुज ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज हो जाएगी, समकोण त्रिभुज होगी। और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम कह देंगे कि आधार है पी क्यू, आधार का वर्ग बराबर होगा कर्ण का वर्ग यानी ओ क्यू का वर्ग घटा लंब का वर्ग ओ पी का वर्ग। तो पी क्यू का वर्ग यहाँ से हो जाएगा, ओ क्यू है 12, ओ पी है 5, ये हमारे पास आएगा 144 घटा 25, और पी क्यू का वर्ग हो जाएगा 119। तो यहाँ से हमारे पास पी क्यू बराबर हो जाएगा 119 का वर्गमूल। दोनों तरफ वर्गमूल करने पर स्क्वेयर से वर्गमूल कट जाएगा, पी क्यू बराबर आ जाएगा 119 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो हम एक वृत्त लेते हैं किसी भी त्रिज्या का, यह हमने ले लिया वृत्त। अब इस वृत्त के बाहर या अंदर कोई भी एक रेखा दे रखी है, जैसे हमने रेखा ले ली मान लो यहाँ पर, ले लेते हैं इसके अंदर, ये रेखा है। अब हमें इस रेखा के समानांतर दो रेखाएं ऐसी खींचनी हैं उनमें से एक तो स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा होती है वो एक बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है, और जो छेदक रेखा होती है वो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसके समानांतर हम एक रेखा खींचेंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगी हमारी स्पर्श रेखा बिंदु पी पर, इसका नाम है ए बी। अब इसी के समानांतर हमें एक रेखा और खींचनी है जो छेदक रेखा हो, तो ये हो जाएगी हमारी छेदक रेखा, इसका नाम है सी टी, और जो बिंदु आर पे और एस पे प्रतिच्छेद करती है। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग से दिखा देता हूँ,
ये है, ये हमारी एक दीव रेखा है, ये हमारी छेदक रेखा है जो इसके दीव रेखा के समानांतर है, और ये जो रेखा है ए बी, ये हो जाएगी हमारी स्पर्श रेखा जो दीव रेखा के समानांतर है। इस प्रकार हम इसके समानांतर एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा खींच सकते हैं। यहाँ पर ए बी एक स्पर्श रेखा है और सी डी जो रेखा है वो एक छेदक रेखा है।